यार हम भी कभी नूबड़े थे, अब भी हैं और रहेंगे। ये चीज़ें बदल नहीं सकती ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम खेलने वाले हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड। वैसे आप सभी लोगों को देखकर लग रहा होगा ये सोलो वर्सेस स्क्वाड होगी नहीं, कैसे? बिकॉज़ आपके साथ है चार बंदे। और क्या चार बंदे हो तो भाई साहब सोलो वर्सेस स्क्वाड नहीं खेल सकते क्या? गाइस मैंने मतलब सोलो वर्सेस स्क्वाड बहुत मैचेस खेले हैं, बट उसमें उतने उतने ज़्यादा किल नहीं हो रहे थे, उतने ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था खेलने पे। बस नॉर्मली किल जा रहा था, 16-17 भी नहीं जा रहे थे भाई, 10-11 10-11, और ज़्यादा कभी कभी चला जाता था 14-15। इसमें मज़ा नहीं आ रहा था यार कि, तो मैंने सोचा भाई अब चलो रैंडम बंदों के साथ खेलते हैं, रैंडम प्लेयर के साथ खेले। रैंडम प्लेयर के साथ हमने काफ़ी बार खेला, लेकिन इस बार कुछ अलग होगा, बिकॉज़ थोड़ा सा बंदे ना अच्छे नहीं आए हैं इसमें। मतलब रिस्पेक्ट करता हूँ इन लोगों की भी, जो अभी नए नए बंदे आए हैं। नूबड़ों को भी रिस्पेक्ट करो, बिकॉज़ वो भी अपन गाली कब देते हैं पता है नूबड़ों को, जब अपने को रिवाइव नहीं देता या फिर वो बंदा कहीं और जाता है, उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती अच्छी खेलने की, और नीचे एक बंदा वाला उसको ले लेंगे पहले भाई से। वो चाचा जी हमारे पास ही रेडी, सबके पास प्रो चाचा है तो कोई नहीं। और हमारे पास सबसे बेहतरीन बात क्या है ना कि हमारे पास जो कोबरा MP40 है वो कतई बहुत ही कम स्पिन निकल गई। सेकेंड लास्ट स्पिन पर हमें निकल गया था, उसके लिए मैंने भाई साहब रात में काफ़ी देर तक जागा हुआ था, 2:30 बजे समथिंग निकला हुआ था। और यहाँ पे एक बंदा और जा रहा है ऊपर, पहले इसको देख लूँगा, उसके बाद बात करते हैं। ओके हेलो चाचा, हमें मारने की कोशिश, और यहाँ पे नाकाम है, हमें मारने की कोशिश की गई थी लेकिन यहाँ पर नाकाम है। और यार हमारा एक बंदा जो डाउन हो चुका है, सारे सारे बंदे क्लॉक टावर में ये, और एक बंदा मेरे पास फिर से आ गया। चलो कोई नहीं, अपन अपना किला अपना सेव कर चुके हैं यहाँ पे। और यार बहुत ही मज़ा तो आने वाली है, बिकॉज़ ये मैच रैंडमली प्लेयर के साथ हो तो कैसे बंदे आएंगे पता नहीं। अब ये एक के बाद एक बंदे यहाँ पे मारे जा रहे हैं, और कौन बंदा मार रहा है वो तो अपने को नहीं पता ना। और अपने पास तो कोबरा MP40 है, वैसे लेवल 2 का कर रखा है, बट उतना लेवल 2 का कर रखा है, बस उसमें जो मारते हैं उसका थोड़ा सा इमोट वगैरह था। और यहाँ पर सामने बंदा चलो चाचा वेलकम टू, ओके चाचा जी ने ड्यूट, इसको थोड़ा सा इमोट दे देते हैं काफ़ी अच्छा लगेगा। बंदा थोड़ा बंदा सही था, लेकिन मेरे साथ जो भी बंदा आए थे सारे बंदों को मार दिया गया है, और ये बंदा मेरे पास ही है, काफ़ी अच्छा बंदा है। इन लोगों के साथ खेलो तो थोड़ा, मुझे ना आज पहली बार खेल रहा हूँ इनके साथ, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग बहुत सीधे साधे हैं, ना ही मतलब प्रो बनने की ख्वाहिश और ना ही नूबड़े का कुछ ही है, बस खेल रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि भाई हम आगे जाके कैसे खेलेंगे। जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ आजकल गेम की, जिस हिसाब से क्रेज़ चल रही है यहाँ पे, काफ़ी ज़बरदस्त क्रेजिंग चल रही है, और मेरे साथ बस यही बंदे की वजह है। मेरे पीछे बेचारा हो यार, काफ़ी काश बात कर पाता मैं इससे, बात कर सकता हूँ बिकॉज, लेकिन मेरे रिकॉर्डिंग है जो वॉइस रिकॉर्डिंग है ये सारा चीज़ें ना नहीं होगा, सब चीज़ सबका सब बंद हो जाएगा, गेम साउंड भी नहीं आएगा, वही दिक्कत है। गेम प्ले रिकॉर्ड होगा बट उनसे बात नहीं कर सकता मैं, क्या किस्मत काफ़ी कभी ऐसी, लेकिन कोई नहीं। ये बंदा मेरा हमेशा साथ में रह रहा है, देख रहा भाई, काफ़ी अच्छा दिल से काफ़ी अच्छा लग रहा है यार ऐसे बंदों के साथ खेलने में। और ये बंदा मेरा यार माइंड सेट जान चुका था शायद बंदा, ये पे आगे जा रहा है। चलो आ जाओ चाचा जी, आगे चलते हैं। चाचा तो नहीं बोलेंगे आप, चाचा जैसे लगते भी नहीं। चलो आ जाओ भाई मेरे, आ जाओ, चलो चलते हैं कहीं तहलका मचाते हैं। और हम आ चुके हैं पीक में, मेरे पास जो बंदा था वो पीछे ही पड़ा है। वो बंदा लिटरली बता रहा हूँ, उस बंदे के लिए मेरे दिल से ना काफ़ी केयरिंग है, लेकिन सामने एक बंदा है, इस बंदे को पहले ले लूँगा, बिकॉज ये बंदों को यहाँ पे पक्का आएगा मेरे हिसाब से बंदा, देख लेना यहाँ पे। और ये लो पूरा बैठा हेडशॉट के साथ। और यहाँ पे पता है हमारे पास सिंगल डैमेज और 1 rate of fire, सिंगल रेट ऑफ फायर है, बस थोड़ा सा रिलोड स्पीड डाउन है इसकी, लेकिन काफ़ी अच्छी है। और ये बंदा आ रहा है काफ़ी, आजा भाई तू, अच्छा चल तेरा वेट कर लूँगा, जब तक तेरे आने तक कुछ बंदों को मैं निपटा लेता हूँ, ताकि तू आएगा ना तो रोड थोड़ा साफ़ हो जाएगा। चल भाई मेरे रोड साफ़ तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ तेरे आने तक रोड साफ़ ज़रूर कर पाऊँगा, कोशिश यही रहेगी तेरे आने तक रोड साफ़ कर पाऊँगा। और यहाँ पे ओ भाई हेलो 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 चाचा जी, कहाँ कहाँ गूगल का लग, अरे यार ये बंदा भी डाउन हो गया भाई, सॉरी यार दिल से सॉरी कहेंगे इस भाई को, यार क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे एक बंदा है, मतलब 3 बंदे काफ़ी सही बंदे तो लग रहे हैं मेरे हिसाब से, और मेरे बंदे को मारे हो तुम लोग तो तुम्हें भी तो सज़ा मिलनी चाहिए ना। लिटरली भाई आज के बाद ना मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलूँगा, बट ऐसे खेलूँगा जैसे मेरे पास बंदे, मतलब सारे बंदे रहेंगे मेरे को, एक बंदा और, 1 मिनट वेट यार। चलो चाचा जी एक बार, अभी ग्लूबर कहाँ लग गई,
यार नीचे जाके मारना पड़ेगा। ओ हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। हाँ मजा आ रहा है। चलिए मैं, मेरे साथ रिवाइव हो चुका था बंदा, और यहाँ पे फिर से गूगल का कवर। तो बंदा किसको रिवाइव ये किया था, मैं डाउन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा यार। लेकिन उस बंदे को मैं अभी मिस कर रहा हूँ जो मेरे पास हमेशा साथ में था, काफ़ी अच्छा। और बंदे देख रहे हैं, चारों के चारों बंदे देख रहे हैं मेरे को। अब वो चारों में से चार बंदे मेरे, कितने बंदे हैं मुझे नहीं पता। और यहाँ पे एक बंदा और है यार, ये परेशान करे जा रहा है भाई। यहाँ पे रुक भी नहीं सकते साला, एक ही ग्लू वाला है ऊपर से। कोई नहीं यार, कोई नहीं, कोई नहीं। थोड़ा सा अपने को कवर लेके मेडिकेट करनी पड़ेगी। ओ भाई पीछे से, ओके बंदा उधर से आएगा, जब तक अपने हील कर लेंगे, टेंशन नहीं है। भाग यहाँ से, अगर आएगा भी तो अपने पास कौन होता है। और हेलो हेलो, वेलकम बैक टू किचन। ओके डन, ये हुआ बैंड। हेलो, अपना जो 500 रुपये, 500 का डायमंड जो खर्च किया उसके लिए। और भाई तुम्हारा जो किल लिया था ना, उसका बदला हमने ले चुका है, काफ़ी अच्छे तरीके से लिया, पूरे स्क्वाड वाइप कर चुका है। और एक चीज़ बता दूँ भाई, कई बार थंबनेल पे बोल देते हो बंदे की, यार भाई आपकी स्पेलिंग गलत है, ये गलत है, वो गलत है, तो कोई नहीं, आपको समझ में आ रही है, ये ज़रूरी है। स्पेलिंग डजेंट मैटर, आपको बंदे को समझ में आना चाहिए ना कि अब लिखे क्या है, मैटर क्या है। वो समझ में आ गया तो हमारा जो लिखना है वो ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। तो आप लोग ये मत बोलिए कि भाई यार अब स्पेलिंग सही हो करो प्लीज़। ओके तो चलो गाइस, अपन आगे चलते हैं। यहाँ पे मेरे सबसे बंदे, मेरे से पीक पे जो जितने बंदे थे सारे मेरे सबसे कन निपट चुके हैं। और आगे जाके देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम क्लॉक टावर पे, क्लॉक टायर से, फिर फैक्ट्री, फैक्ट्री से पोचेनोक, पोचेनोक पे भी नहीं मिले, तो हम लोग आते गए थे पीक। और पीक में मेरे हिसाब से यहाँ पे बंदे होने तो चाहिए, बट फिलहाल अभी किसी की हवा भी नहीं लग रही, भनक भी नहीं लग रही है। देख लेते हैं यहाँ पे, क्या पता किसी की भनक वगैरह लग जाए यहाँ पे, तो अच्छी बात है। अगर लगी लगेगी तो भी बेटर है, नहीं लग जाएगी तो भी अच्छी बात है। यार कुछ दिनों से ना कुछ गेम प्ले पे मेरा साउंड नहीं है, मतलब एक गेम प्ले था जिस पे साउंड बिल्कुल भी नहीं था। और मेरा आजकल ना जो, और यहाँ पे कोई बंदा है, एक मिनट यार, यहाँ पे एक बंदा काफ़ी देर से मुझे परेशान कर रखा है। ये लो, मतलब क्या है ये, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। ओ भाई साले, एक तो अलग से लूशे, एक ओ सुनो, वेलकम जॉकिंग, जोकिंग क्या नाम था, जोकिंग आई थिंक मेरे से जोकिंग नाम था। और यहाँ पे और जोकिंग करने की कोशिश कर रहे, जोक करने की कोशिश करेंगे हम बंदे। मेरा जो कस्टमाइजेशन वैसे चेंज, तो यहाँ पे एक बंदा आने वाला है आई थिंक मेरे हिसाब से। ये लो ग्रेनेड डाल रहा है, फिर क्या डाल रहा है सर। हेलो, ओके वेलकम टू द जुमान जी, वेलकम टू द पीक वाले डबल डोर बिल्डर। एक बंदा और आया यहाँ पे, एक बंदा और अगर रश करे तो पिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास दोनों ऑन है ना। चल भैया चलो निकलो, और मेरे पास कोबरा MP40 है, जिससे कोबरा MP40 की जो रिव्यू निकाल रही है ना, मरने के बाद बंदों को किल होने के बाद, कहते ही मस्त वाली है भाई, सब सच्ची बता रहे हैं। चलो एक बंदा नीचे और है, ग्रेनेड कर लेते हैं, क्या पता बंदा निपट जाए। और यहाँ पे तो कोई दिख ही नहीं रहा कि बंदा निपटने लायक है कुछ। चलो पीछे से देख लेते हैं, कोई अपना क्रोनो चाचा भी ऑन भी तो नहीं है ना, बात ये भी तो है। ओ हेलो हेलो वेलकम, भाई 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 बच गया, बच गया। डैमेज काफ़ी है यार यहाँ पे, बंदा थोड़ा सही लग रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे पास पता है ग्लूवल भी नहीं है, ऊपर से क्रोनो भी रिचार्ज नहीं है ना अपना, तो थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है। और यहाँ पे बंदा आने का तो सोच सकते हैं कि मेडिकेट हील तो कर लो पहले यार। और बंदा सही है मेरे हिसाब से, तो बंदा रस कर ले। चलो ग्लूवल का तो कवर ले लिया बंदे ने, अपने पास सुविधा है ग्रेनेड की, ग्रेनेड की सहारा लेंगे। और यहाँ पे बंदा फिर से एक बार, अरे आए चाचा, ओके चाचा जी हमसे। ओ हेलो 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 हेलो, वेलकम बैक टू चिला जी। ओके सर जी, बंदा धीरे आस्था काफ़ी, इसको इमोट वगैरह तो नहीं कर सकते, बिकॉज हर एक बंदे का अपना जो स्ट्रेटजी है खेलने का स्टाइल, वो सबका अलग अलग होता है। और मेरे को ना वो बंदे के लिए सही में अभी भी याद आ रहा है, जो फर्स्ट बंदा था, मतलब मेरे साथ जो पास में आ रहा था लिटरली, वो मेरे से हार्ट टू हार्ट जुड़ चुका है अभी। तो जब तक गेम पे रहेगा तब तक उससे बात करूँगा, उसके बारे में मिस करूँगा, उसको ही मिस करूँगा। और यहाँ पे काफ़ी बंदे हैं, यहाँ पे तो लग तो रहे हैं भीम शक्ति पे, बंदे होने चाहिए चचे। वो लोग रेड डॉट ऊपर दो बंदे, यहाँ पे स्नाइपर यूज़ कर रहा है बंदा यार, काफ़ी खतरनाक। हम तो क्रोनो था तो उनका, तो एक बंदा डाउन हो चुका है मेरे से, तो बंदा डाउन था, मेरा डैमेज था पहले से, एक बंदा और डाउन, डाउन तो नहीं हुआ मतलब डैमेज है यार हमारा। एक्चुअली मेडिकेट करते हैं, थोड़ा सा कवर पे आकर मेडिकेट करते हैं। और हमने जो कैरेक्टर ले रखा है ना यार, ये क्या जोटा है शायद, आई थिंक मैंने जोटा ही है,
इस पे अपनी स्किल ऑन करके रखा है थोड़ा सा। मुझे वैसे कैरेक्टर की स्किल, वो क्या एबिलिटी है, क्या स्किल उसे, ये सब मुझे नहीं पता, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जानते हैं। नूबड़े हैं, नूबड़े हैं, मतलब नूबड़े थे, नूब भी रहेंगे, और आज जिस हिसाब से हमने गेम प्ले करा वो भी नूब के साथ ही, और वो नूब काफ़ी मेरे हैं दिल। और यहाँ पे ही एक हेड शॉट, काफ़ी अच्छी हेड शॉट, मतलब मशीन गन का कमाल ही कुछ अलग है भाई साहब। इतना फायर, कितनी स्पीड से फायर होती है, इसमें अटैचमेंट का कोई लोचा नहीं है, आपके पास बस स्कोप होनी चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। स्कोप अगर मिल गया ना तो बहुत ही ज़्यादा मजा जाती है। मैंने मशीन गन 2-3 मैच में काफ़ी चलाए हैं, लेकिन कभी कभी जो है ना लालच बुरी बला होती है, लालच बढ़ जाती है कि कोई और गन के लिए जब मिल जाती है, लेकिन इसमें अटैचमेंट का कोई लोचा नहीं है। आप वो क्या कहते हैं, स्कोप लगाओ और खेलते रहो बस। नहीं, 4x भी है, बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे पास भी 4x मिल चुकी है। और यहाँ पे बंदा मेरे हिसाब से जोन पे जाने की कोशिश करेगा, आई थिंक मेरे हिसाब से ये करेगा कोशिश, लेकिन कोई नहीं, अपन भी महान हरामी है, क्योंकि अपन जब इतने टाइम तक रुके हैं तो कुछ तो बेनिफिट लेके जाएंगे ना यार। एक किल तो लेके जाना ही पड़ेगा भाई, जब इतने टाइम से रुके हैं तो। जब इतने टाइम से रुके हैं तो अपने को तो बनता है ना बेनिफिट लेना, बनता ही है भाई, क्या बोलते हैं। और यहाँ पे कितने बंदे, अभी भी 8 बंदे बचे हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। हमारे हो चुके हैं 13 किल, वैसे भी मैंने बोला था 16 से स्क्वाड ही हुई, 16 से स्क्वाड मैंने जानबूझ के किया, बिकॉज मेरे पास पूरी चारों चार स्क्वाड थी, मतलब 3 बंदे सामने भी बंदे हैं। 1 मिनट यार, और यहाँ पे सारे तो बंदे थे यहाँ पे, कितना भाई, भाई हम ही को मार रहे हो, ये तो स्नाइपिंग यूज़ करते हुए हद है। इतने बड़े चीज़ों, इतनी बड़ी छोटी सी गेम में आप स्नाइपर यूज़ कर रहे हो, अबे चाचा छोड़ दो यार, थोड़ा बहुत शर्म करो। 16 ओवर से स्क्वाड खेल रहे हैं, वैसे भी हमारे पास किलो की वैसे ही कंगाली छाई हुई, और आप अलग से हमारा किल लेना, और यहाँ पे एक बंदा और, चलो इसका तो ले लेते हैं, बस कोबरा एम को वन टू, अब हेड शॉट काफ़ी अच्छे लग रहे हैं वैसे फ़िलहाल, और जिस हिसाब से वेव निकले वो भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, लेकिन हमारे पास जो ज़रूरत थी वो तो पूरी हो चुकी है वैसे। अब यहाँ पे हमारे 14 किल तो हो चुके हैं, बचे हैं फिलहाल 6 बंदे, और 6 बंदे मारने के बाद हमारे कितने होंगे, 16 16 21 22, ऐसे कुछ होगा पता नहीं, जितने भी यहाँ पे तो बंदे काफ़ी समझ में आ रहे हैं मेरे हिसाब से। बस इतना है ना कि सारे के सारे बंदे मेरे ऊपर रश ना कर दे, ये दिक्कत है, अगर सारे के सारे बंदे एक साथ रश करेंगे तो मुझे संभाल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा यार। ग्लूबल भी उतने खास नहीं कि वो लोग डैमेज काफ़ी ज़्यादा दे रहे बंदे यहाँ पे। ये बंदा भाई साहब क्या करने की कोशिश कर रहा है भाई, रश मत करना, रश मत करना, बस अगर रश किए तो मैं फैल जाऊँगा यार, लेकिन कोई कोशिश नहीं, आपकी कोशिश जितनी हो सके हम नाकामयाब करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे 194 का हेड फिर से, चल छोड़ यार, यहाँ पे मेरे बंदे तो रश कर रहे हैं। हेलो चाचा जी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ यार, थोड़ा सा अब रुक जाओ, अबे यार कितने बाहर क्यों निकल गया साला, यही होती है अक्सर, कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना तो बाहर निकल जाओ, सच्ची बता रहा हूँ, क्या बाहर निकल जाए साला, पूरा मैच ही ख़राब हो गया। कोई नहीं गाइस, गेम प्ले अच्छा लगा हो, कमेंट अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वो तो हमेशा की बात है। और नूबड़ों के साथ आप गेम प्ले करेंगे, रैंडम प्लेयर के साथ हम लोग गेम प्ले करेंगे, आप सोर वर्सेस स्क्वाड बहुत ही कम आएंगे, बट आएंगे सोर स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड। बाय बाय।